हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको ये डोरमेट बनाना बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी है और पुराने स्वेटर को खोल के बनाया हुआ है। आप इसको साड़ी से या दुपट्टे से भी बना सकती हैं। तो ये मैंने बनाया है 40 फंदों में 9 नंबर की सिलाई से डबल ऊन करके। तो इसको आप अगर पसंद करती हैं तो जरूर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये देखिए, ये मैंने 40 फंदे डाले हैं, डबल है ये। देखिए, जो पुराना स्वेटर खोल के हम बनाते हैं ये डबल है, डबल ऊन से मैंने ये फंदे डाले हैं। और ये 9 नंबर की सिलाई है मेरी। ये देखिए, ये 9 नंबर की सिलाई है। तो इसके ये जो फंदे हैं ये देखिए, मैंने ढीले ढीले डाले हैं क्योंकि मैं बाद में इसको यहां से खोल के जोड़ती हूं, इसलिए मैंने सारे फंदे एक कलर से ही डाल लिए हैं। अब सबसे पहले जो 40 फंदे हैं उसमें से ये जो 20 फंदे हैं, ये देखिए, पहला फंदा उतार के 20 फंदे मैं ये ब्लू कलर से बनाऊंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। 20 फंदे ये मैंने ब्लू कलर से बिन लिए हैं। अब मैं इसमें ये पिंक कलर लगा रही हूं बीच में, इसको भी हम डबल नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, दस फंदे मैं इससे बिनूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब बाकी के जो 10 फंदे हैं उसको मैं ये ब्लैक कलर लगाऊंगी, इसको भी डबल नॉट लगा लेंगे। और बाकी के 10 फंदे मैं ये ब्लैक से बना लूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इस साइड से जितने फंदे जैसे हैं वैसे ही बीनूंगी और लास्ट के 2 फंदे मैं छोड़ दूंगी। ये जो है ये लास्ट के ये 2 फंदे मैं छोड़ दूंगी। तो अब देखिए, यहां से ऊन आगे करके ये टोटल जो ब्लैक 10 है इसको मैं ब्लैक से ही बीनूंगी। अब इसको पीछे पलट देंगे, इस हाथ से इसको पकड़िए और यहां से देखिए ये दोनों ऊन ऐसे क्रॉस हो गया। अब यहां से इसको आगे कर लेंगे, ये ऊन हमारा इधर है और ये पिंक वाला इससे फंस गया। तो अब इसको भी ये जो 10 फंदे हैं इसी तरह से बिन लेंगे। ये देखिए, अब ये ऊन पीछे और ये ब्लू वाला भी, देखिए ये ऊन पीछे और ये ब्लू वाले से। अब बाकी के
एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह और ये अठारह। ये अठारह फंदे बिन लिए, अब ऊन पीछे कर देंगे। ये दो फंदा मैंने छोड़ दिया। अब देखिए इस साइड से ये ऊन पीछे करने के बाद ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, इसको हम नहीं बिनेंगे। अब यहां से देखिए ये जो अठारह फंदे थे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, ये हमने बिन लिए। अब ये जो पिंक वाला है इसमें से भी एक फंदा इधर हम बिन लेंगे। तो ये देखिए ये 19 हो गया। अब इसको ऐसे क्रॉस करा देंगे। अब यहाँ से 10 फंदा हम फिर से पिंक बिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, सात, आठ, नौ और एक अब इस ब्लैक वाले पर से हम ले लेंगे 10। ये देखिए अब ये ब्लैक वाला जो हमारा है ये हमारा अब हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। इसी तरह से हर बार हम यहां से एक एक फंदा इधर करते जाएंगे और यहां पे हम दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। तो हर सिलाई में हम इसी तरह से करेंगे। इधर से हमने ये कलर लगाया है, वहां से हम एक एक फंदा इधर आएंगे और ये हमारा देखिए सीधा साइड है, तो इधर से हम यहाँ पे दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से छोड़ते छोड़ते हमारे टोटल फंदे छूट जाएंगे और ये जैसे जैसे हमारा ऊन खत्म होता जाएगा इस ये और ऊपर होता जाएगा। तो ये देखिए अभी ये 9 फंदे हो गए। अब इसी तरह से हमारे ये धीरे धीरे पूरे फिनिश हो जाएंगे और ये सारे फंदे हमारे छूटते चले जाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसको कंटिन्यू करूंगी कि इस साइड पे जो हमने उल्टा बीना है सेम वही रहेगा। देखिए तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। अब इसको पीछे कर देंगे और ये बीच वाला जो हमारा ये ऊन है इससे हम बाकी के 10 फंदे बिन लेंगे। इसी तरह से हम टोटल बिन लेंगे पूरा। ये देखिए इस तरह से इधर से ये दो दो फंदे छूट रहे हैं और इस तरफ से अब ये ब्लैक वाला मेरा एक फंदा बचा है जिसको कि अब इस तरफ से हम जब बीनेंगे, ये देखिए दो फंदा हमने छोड़ दिया है, ये फंदा उतार के और इधर से एक साइड हम दो दो फंदे छोड़ते जा रहे हैं और यहां से एक तरफ से हम एक एक फंदा इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो ये देखिए अब ये जो पिंक वाला है अब यहां पे ये खत्म हो गया। अब चाहें तो आप इसको यहां पे कट कर दीजिए, नहीं तो आप यहां से फंसाते जाइए और फिर आगे जब हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ये टोटल ब्लू यहां तक आ जाएगा, फिर हम ब्लैक, पिंक और फिर ब्लैक से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको इसको या तो फंसाना पड़ेगा या आप इसको यहाँ पे कट कर सकती हैं। तो देखिए इसी तरह से ये पिंक भी खत्म हो जाएगा और ये जब सारे फंदे हमारे खत्म हो जाएंगे तो फिर हम इसकी कली हाफ, ये कली हमारी बन जाएगी। तो इसी तरीके से दो दो फंदा छोड़ते जाइए और इधर से एक एक फंदा हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। ये देखिए
अब ये हमारा लास्ट का ये चार फंदा जो बचा है, अब इसको क्योंकि अब ये लास्ट ये दो ही फंदा हमारा छूटेगा, तो यहां से ये पिंक और इसके बाद फिर ये, क्योंकि अब ये ब्लू हमें छोड़ देना है, इसको ब्लू हम नहीं भी लेंगे, यहां पे दो फंदा हमको छोड़ना है। तो अब यहां पे ये और ये लास्ट वाला मैं इसी तरह से पिंक बिन दूंगी, ये देखिए। ये हमारी आधी कली बनके तैयार हो गई है। अब यहां से आप या तो इसको टोटल ये लास्ट में दोनों ब्लू कर दीजिए, क्योंकि अब यहां से हमारा लास्ट लाइन जो है ये कली का आधा हिस्सा जो हमारा है ये यहाँ पे खत्म हो गया है। अब यहां से ये टोटल सारे फंदे में जो 40 फंदे हमारे हैं टोटल मैं ये ब्लू से बिन दूंगी। देखिए इसको टोटल हम ब्लू से बिन देंगे। पूरी सिलाई इस तरफ से और फिर उधर से भी, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी सिलाई मैंने इधर से उल्टी उल्टी बिन ली है। और अब इस साइड से 39 फंदे मैं ब्लू से बनाऊंगी और लास्ट वाला एक फंदा मैं पिंक से बिन लूंगी। ये देखिए इसी तरीके से आधी कली हमारी बन गई है। इसको हम टोटल 39 फंदे, क्योंकि दोनों तरफ से हमें बीच का एक लाइन सीधा सीधा बिल्कुल बिन लेना है, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। आप चाहे तो दोनों फंदे या तो एक फंदे आप, क्योंकि यहाँ पे हमें अब ये जो हमारा है इसको, या जैसे दो फंदे हमने लास्ट में एक साथ बिन लिए थे, यहाँ पे आप दो फंदे इसको भी ऐसे चाहे तो बिन सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक फंदे बनाऊंगी और लास्ट वाला ये फंदा जो है ये हम पिंक से बिन लेंगे। अब इस साइड से देखिए जिस तरह से हम दो दो फंदे इधर बढ़ते गए उसी तरह से अब हम इधर भी दो दो फंदे, अब ये पिंक हमने बिन लिया, यहां से ये ब्लू ऐसे उन पीछे करेंगे। अब यहां पे ये दोनों ब्लू यही, अब इधर टोटल हम नहीं बिन रहे हैं, ये जो दोनों ब्लू है अब ये इसको हम पिंक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों हमारा आ गया पिंक। अब यहां का ये दोनों फंदा हम पिंक से बिनेंगे ऐसे उन पीछे करेंगे और यहां से अब हम दो फंदे ब्लू से बिनेंगे, एक दो उन फिर पीछे करेंगे, फिर अब इधर से ये एक फंदा हम ब्लू से बिनेंगे और जिस तरह से हम इस तरफ से एक एक फंदा घटते गए अब यहां से एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे इसको फंसाएंगे, अब ये हमारा तीन फंदा पिंक हो जाएगा। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते जब हमारे ये 10 फंदे टोटल हो जाएंगे तो फिर हम इसी तरह से ब्लैक भी लगा लेंगे। देखिए
अब यहां से ये दो पहली बार का, ये उन पीछे, ये दो दूसरी बार का। अब दो फंदे इधर से और ऐड करेंगे सीधी तरफ से, ये हमारी सीधी साइड है, और ये उन पीछे करके यहां पे अब देखिए ये वाला फंदा हम उतार लेंगे। दो फंदे अब हमारे ब्लू हो गए और अब ये पिंक जो है, एक दो तीन और ये चार, ये पिंक हम एक एक बढ़ाएंगे इस साइड से। ये देखिए हमारी रॉन्ग साइड है, और सीधे साइड से जब हम बीनेंगे तो ये दो फंदे ब्लू को जोड़ते जाएंगे। ये देखिए दो तीन ये चार उन पीछे, और अब ये एक दो, और अब ये दो फंदे और हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा जब तक कि पिंक 10 ना हो जाए। देखिए दो, अब ये तीन हो गए। अब यहां से ये एक फंदा पिंक हम और इधर ऐड कर लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। देखिए इसी तरह से ये 10 फंदा होने तक हम इसको पिंक कर लेंगे, और ये हम हर बारी दो 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 लेते जाएंगे। ये देखिए यहां तक ये मैंने जो बिना है, अब इसमें मेरा ये पिंक वाला पूरा 10 फंदा हो चुका है। तो अब उल्टे साइड से हम इसमें जो मेरा ब्लैक कलर है उसको जोड़ेंगे। तो अब देखिए इधर से इस साइड से हम हमेशा पहला फंदा उतारेंगे, दोनों साइड से पहला फंदा उतारेंगे, चाहे आप डिजाइन बना रही हैं या आप कोई स्वेटर बिन रही हैं। तो ये देखिए पहला फंदा उतारने से बीच में जो गैपिंग नहीं आती है, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये जुड़ा हुआ आता है। तो ये जो हमारी कली कंप्लीट हो रही है, तो इसमें देखिए ये जो एक एक फंदा हम इधर जोड़ते जा रहे हैं ऐसे, ये देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये 10 फंदा हो गया। अब ये जो 11वां फंदा आया इसको हम ब्लैक लगाएंगे। मैंने ये ब्लैक यहाँ पे कट कर दिया था और इसको यहाँ पे फंसा दिया है। तो इसी तरीके से थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा इसमें लगाइए, और आप बिनते बिनते इसको भी फंसा दीजिए, या आप क्रोशिया की मदद से इसको फंसा सकती हैं पीछे की तरफ, ताकि पीछे हमारी जो गांठे हैं, ये देखिए यहाँ पे भी जो भी गांठे मेरी आ रही है मैं इसको बिनाई के साथ ही फंसा दे रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे अब ये हो गया। अब इस साइड से हमारे तीनों ऊन लग चुके हैं, तीनों कलर। तो अब पहला फंदा तो हमें उतार लेना है, क्योंकि अब ये अगली सिलाई में हमारा बढ़ेगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो हमारा ये पिंक वाला है इसको हम ऐसे क्रॉस करा के इस साइड लाएंगे, और ये जो 10 फंदे हमारे बचे इसको हम इससे बिन लेंगे, और फिर बाकी हम इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। ये देखिए और इधर से दो दो फंदे हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारी ये लाइनिंग पूरी कंप्लीट ना हो जाए। और ये जैसे ये हमने पिंक बढ़ाया, इसी तरह से अब हम जब उल्टे साइड से आएंगे तो दो ब्लैक कर लेंगे, क्योंकि फिर ये हमारा ऐसे इधर को फंदा जाएगा। ये देखिए उल्टे साइड से जिस तरह से हम ये पिंक ऐसे इधर बढ़ाते जा रहे हैं, इसी तरह से अब हम ब्लैक, बस आप ये काउंट कर लीजिए। देखिए दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये 10 फंदा हो गया। और अब यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस कराइए, और ये दो फंदे हम ब्लैक से कर देंगे। ये देखिए, और अब यहां से सीधी साइड से जो फंदा है जैसे है हमको उसी तरह से बिनना है, और बस बैक में हमें ध्यान देना है कि एक एक फंदा हमारा बढ़ेगा। और ये जो है देखिए, आप चाहे तो इस नॉट को इसी के संग ऐसे फंसाते हुए ऊपर भी ले जा सकती हैं, और यहां पे इसको हम
ये देखिए यहाँ पे फंस जाएगा ऐसे, और ये हमारा सामने, नहीं तो बाद में आप क्रोशिया से या सुई से इसको कर सकती हैं। इसी तरीके से हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ये देखिए। अब अगली बार ये 3 हो जाएगा, फिर जब ये जब तक 10 होगा हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अब मेरा ये टोटल जितने फंदे थे स्टार्टिंग में सारे हो गए, 20 ये, 10 10 ये। अब ये उल्टी सिलाई में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये सीधी सिलाई मेरी टोटल यही सेम जाएगी, और फिर उल्टी सिलाई से मैं इसको इधर की तरफ बढ़ाना शुरू करूंगी जैसे मैंने यहां से किया है। तो ये मेरा एक पैटर्न, एक कली जो है ये तैयार हो गई है। इसी तरह से पूरा सर्कल मेरा बनेगा। तो ये एक मैंने पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाया। अब यहां से ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, ये अब ऐसे जाएगा, और ये अब इधर को फिर वही सीधी सिलाई सेम यही 10 फंदे काला, 10 फंदा पिंक, और ये ब्लू 20 फंदे जो मेरे हैं, आप जो भी कलर लगाइए। और उल्टी सिलाई से फिर मैं यहाँ से उल्टा तो मैं टोटल बीनूंगी पूरा कंप्लीट, और ये एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, फिर जब सीधे में आऊंगी तो ये 2 फंदा छोड़ दूंगी। ये देखिए ये जो सिलाई मैंने बताया था इसको सेम वही बीनेंगे, इसलिए कि लास्ट में अभी ये जो 2 फंदे हमारे रह गए थे वो भी इस पे ऐसे आ जाएंगे। ये कंप्लीट हो गए सारे। अब इस साइड से हम सारे फंदे, ये जो हमारा है इसको देखिए, यहां से ऐसे, ये जो 20 फंदे हैं इसको सेम ऐसे ही बीनेंगे। ये और अब इधर से हम फिर ये एक एक फंदा इस तरफ बढ़ेंगे ऐसे। इसी तरह से करते हुए फिर अब हम इस तरफ सीधी तरफ से आएंगे तो 2-2 फंदे इधर से छोड़ते जाएंगे। ये देखिए बनने के बाद ये पूरा इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये सारा मेरा ये ऊन ये इस तरह से है। इधर से टोटल बनाते हुए अब ये 20 फंदा, ये 10 और ये 10, यहाँ पे मैंने इसको अभी छोड़ा है। अब इस साइड का जो है ये जहां हमने फंदा डाला था, ये देखिए इसको मैं खोलूंगी, तो ये देखिए बहुत आराम से ये खुल जाएगा। ये देखिए ये जो फंदे हमने डाले हैं इसको आप यहां से जब ये देखेंगे तो ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये खुल जाएगा, जो ये ऐठन है इसका ये खुल जाएगा। मैंने थोड़ी ये अपनी पुरानी वाली सिलाई ले ली है जो जिसका पॉइंट थोड़ा मोटा हो गया है, क्योंकि इससे बिनने में बहुत इजी होता है ये दोनों ऊन जो पुराने हो जाते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में इसको हम थोड़ा ऐसे खोल देंगे, तो ये देखिए एक फंदा आ गया। इसी तरह से हम टोटल इसको सारा खोलते चले जाएंगे। आपका लाइट कलर का ऊन है तो बहुत अच्छे से दिखेगा, और अगर डार्क कलर का ऊन है तो आप इसको ऐसे खींचेंगी तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि आपका ये फंदा कहाँ पड़ा है। तो इसी तरह से सारे हम इसको खोल देंगे। यहां तक खोलने के बाद देखिए ये टोटल पूरा ये खोलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हमें क्या करना है। मैं हमेशा इसी तरह से ये खोलने के बाद इसको सिलाई पे उठा के फिर अपना पीछे से दोनों को मिला के शोल्डर की तरह जोड़ देती हूँ। तो ये देखिए इसी तरीके से इसको अब मैं, ये देखिए जो खुलता जाएगा इसको भी हम ऐसे उठाते जाएंगे। अगर आपका एक फंदा कम या ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ किनारे से उठा लेंगे, और ये सारे फंदे देखिए बहुत धीरे धीरे आराम से हम इसको दूसरी सिलाई पे उठा लेंगे। तो पहले मैं इतना खोल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने खोल दिया। अब यहाँ पे एक लाइन हमारा और ब्लू का है, तो यहां से लेके यहां तक भी हम इसको खोल देंगे। आपका आराम से अगर खुल जाए तो आप इस तरह से, लेकिन ये चूंकि नीचे से फंदा डला हुआ है तो ये खुलेगा नहीं, तो इसको हम धीरे धीरे ऐसे पकड़ के
खोल लेंगे। जो ये 10 फंदे हमारे ब्लैक के हैं और ब्लू के हैं, तो यही फंदे हमको ब्लैक और ब्लू वाले, सॉरी ब्लैक और पिंक वाले ठीक से चाहिए। और बाकी ये देखिए ऐसे हम धीरे धीरे इसको स्टार्टिंग का थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि हम फंदा यहाँ डालते हैं तो जो गांठ वगैरह होती है, फिर ये आराम से देखिए ये खुल जाएगा। तो इसको हम ऐसे खोल लेंगे, और ये ब्लू, आप चाहे तो ये पूरी लाइन खोल दीजिए। इसके बाद हम इसको सारा इस तरफ से चढ़ा लेंगे। तो देखिए ये आराम से खुल जा रहा है, पहली लाइन खोलने के बाद देखिए ये आराम से ऐसे ऐसे खुल जा रहा है। ये जो नॉट लगी है इसको भी हम खोल देंगे, क्योंकि फिर ये खुलेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि ये फंसा हुआ है। तो ये जो हमने नॉट लगाया था इसको भी हम खोल देंगे, बहुत आराम से खुल जाएगा ये सारा। तो इसको खोलने के बाद सारा मैं इस तरफ से ऐसे सिलाई पे चढ़ा लूंगी, क्योंकि इसका पॉइंट इधर है, इसका भी पॉइंट इधर होना चाहिए। तो ये सारा खोल के फिर मैं चढ़ा के फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे बंद करना है। ये देखिए ये मैंने चढ़ा लिया, ये दोनों लाइन खोलने के बाद, ये देखिए ये ब्लू लाइन खोलने के बाद अब ये टोटल हमारा इस तरीके से आ गया है। अब जब हम यहाँ फंदा उठाते हैं, ये फंदा डला हुआ, तो एक फंदा हमारा इसमें कम हो जाता है जो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे उतारते हुए। अब ये देखिए दोनों सीधा पार्ट है, अब इसको हम इस तरह से ऐसे रख लेंगे। अब इस तरह से रखने के बाद आप चाहें तो दोनों को एक सिलाई पे ऐसे चढ़ा लीजिए, जैसे हम कंधे के फंदे उतारते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही उतारती हूँ। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह से उतारेंगे। तो ये देखिए ये हमारा थोड़ा पॉइंटेड जो सिलाई है, क्योंकि ये फंदे ज्यादा हैं और मोटे हैं, तो हमको थोड़े से इत्मीनान से आराम से। तो अब ये देखिए ये पीछे वाला फंदा हम इस पर चढ़ाएंगे और इन दो फंदों को हम ये ब्लैक वाले ऊन से ऐसे बंद कर देंगे। इस तरीके से आराम से बंद कर दीजिए। आप देखिए पीछे वाला फंदा, फिर ये हम आगे वाली सिलाई पे ऐसे रख लेंगे। और ये अब यहां से हम ये तीन तीन फंदे लेंगे, क्योंकि एक हमारा जो घटने के बाद, जैसे हम शोल्डर के फंदे बंद करते हैं इसी तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब फिर ये पीछे वाला एक फंदा आगे इस पर रख के, देखिए ये दो फंदे और ये एक फंदा, इसको भी हम इसी पे चढ़ा लेंगे। और ये तीन तीन फंदे जितने दूर हमारे ब्लैक हैं, ये हम ब्लैक से बंद करेंगे ऐसे, फिर ये पीछे का फंदा ऐसे, और ये वाला, ये अब तीन तीन फंदे। फर्स्ट टाइम सिर्फ हम दो फंदे करेंगे, इसके बाद हम ये तीन तीन फंदे, और इसको टाइट मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पे फिर अलग से आपको ये दिखेगा। अगर आप इसको कर सकें तो आप सुई से भी इसको जोड़ सकती हैं, या आप चाहें तो दोनों तरफ, एक तरफ तो फंदे हम डालते ही इसको खोलना तो पड़ेगा, या आप अलग अलग कलर से फंदे डालिए और इसको सुई से सिल दीजिए। मैं इसको इस तरीके से जोड़ती हूँ तो ये अच्छा सा फिक्स हो जाता है, इसको अलग से फिर हमें सिलना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए ये हम ऐसे, फिर ये पीछे वाला फंदा इस पे उठा के, और ये तीन तीन फंदे हम एक साथ बंद कर देंगे। ये देखिए जितने काले फंदे हैं, ये देखिए ऐसे, ये इसको टाइट नहीं करना है, इसको लूज ही रखना है। तो ये देखिए इसको, और ऐसे ये तीन तीन फंदे हम, फिर ये पीछे से यहां, और ये अब देखिए ये तीन फंदे हमने बंद कर लिए ऐसे। अब ये इसको बंद करने के बाद ये हमारा ब्लैक का यहाँ पे पोर्शन खत्म हो जाएगा इस तरह से। अब आएगा पिंक, तो इसको हम यहाँ करेंगे ऐसे। अब ये तीन फंदा हम लेके बीनेंगे इस तरह से, ये पिंक वाले से। तो ये ऊन हमारा इधर है, इसको हम यहाँ कर लेंगे, या आप ये देखिए इसको ऐसे कर लीजिए। फिर हम इस पे चढ़ा देंगे ये, और अब इन तीन फंदों को हम एक संग ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए अब ये पीछे से इस पर चढ़ा के ये वाला भी फंदा इस पर हम चढ़ा लेंगे। अब इसके पहले कि हम आगे घटाएं, यहाँ पे ये जो ब्लैक हमने खोला था और ये जिससे हम घटा रहे हैं, इन दोनों को इस तरह से हम नॉट लगा देंगे, और जो हमारा ब्लैक वाला ऊन है इसको हम ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए सीधी तरफ से हमारा ये अच्छे से यहाँ पे जुड़ गया।
अब इसी तरह से पिंक और फिर इसी तरह से ब्लू वाले को भी हम कर लेंगे। ये देखिए, अब पिंक वाले से बाकी यहाँ तक घटाएंगे, फिर ब्लू इधर करके ब्लू वाले से बाकी घटा लेंगे और पिंक वाले को भी इस वाले से बांध के हम कट कर देंगे। इसी तरह से पूरा ये हम घटा लेंगे। ये देखिए, घटाते समय इस ब्लैक वाले को आप इस तरह से फंसा भी सकती हैं, तो आपको बाद में अलग से सुई से फंसाना भी नहीं पड़ेगा और पीछे भी हमारी इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये देखिए, ये ऐसे पीछे वाला फंदा आगे वाली सिलाई पे रखेंगे, ये तीन फंदे ऐसे, और इसको जहां तक हमारा फंस सके हम ऐसे इसको फंसाते जाएंगे और इसको हम उतार देंगे। इसी तरीके से सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। इसको टाइट नहीं करना है, लूज ही रखना है ऐसे। ये देखिए, अब लास्ट में हमारा दो फंदा बचा है। ये हमने जो फंदे खोले हैं तो यहाँ पे इस साइड में एक फंदा कम है, तो यहां से ये जो पहली वाली हमारी ये चोटी जो हम उठाते हैं, यहाँ पे ऐसे मैंने सिलाई लगा ली है। और ये देखिए, अब इनको तीनों को मिला के हम इस तरीके से उतार देंगे। तो ये देखिए, ये उतर गया। अब इसको हम यहां से इसको ऐसे ऊन निकाल लेंगे इसको, और इन दोनों को मिला के देखिए, ये पीछे का साइड है इस तरीके से। ये देखिए, ये जो हमने जोड़ा है, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका हल्का सा ये है, तो आप चाहें तो इसको सुई से कर दीजिएगा, नहीं तो ये ऐसे भी अच्छा लगेगा। तो इस यहाँ इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे, बहुत थोड़ा सा है, आप चाहें तो इसको सुई से फंसा दे सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये, और अब हम इसको भी कट कर देंगे। तो अब देखिए, पीछे की साइड हमको अलग से सिलना नहीं पड़ा, अच्छे से जिस तरह से हम शोल्डर के फंदे उठाते हैं उसी तरह से हमने इसको उठा के उतार दिया है। अब सीधी साइड जो हमारी है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये भी डिजाइन के संग देखिए एडजस्ट हो गया है टोटल, तो ये हमारा एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। पीछे की साइड हमने उतारा है, तो यहाँ पे जो गैपिंग है ये देखिए, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ जोड़ है, ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही कुछ अलग डिजाइन लेके फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।